देश के चाय उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन टी एसोसिएशन ने चाय और ग्रीन लीफ आदि का न्यूनतम मूल्य तय किए जाने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को शुरुआती प्रस्ताव दिए हैं। आईटीए के अध्यक्ष विवेक गोयंका ने बुधवार को वार्षिक आम बैठक में बताया कि इस प्रस्ताव में केंद्र या राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई है और इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार उत्पादकों के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव से संबंधित शुरुआती पेपर को वाणिज्य मंत्री को सौंपा गया है और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अन्य हितधारकों से चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत ये है कि न्यूनतम मूल्य तय किए जाने से पूरे उद्योग को लाभ मिलेगा। चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात को भी बढ़ाकर 300 से 3500 मिलियन किलोग्राम करना होगा। मौजूदा समय में हर साल औसतन 200 से 250 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया जाता है। गोयंका ने कहा कि निर्यात में कमी से हर साल 70 से ज्यादा मिलियन किलोग्राम अधिक चाय रहती है। ऐसी स्थिति में अति आपूर्ति का दबाव रहता है जिससे कीमतों में कमी आ जाती है। भारतीय चाय उद्योग पिछले कई साल से गैर प्रतिस्पर्धी कीमतों, गुणवत्ता पूर्व फसल की कमी, मजदूरी में बढ़ोतरी और कम विदेशी मांग के कारण परेशानियों से घिरा हुआ है। चाय का उत्पादन उच्च लागत वाला कारोबार है जिसमें 60-65% हिस्सा मजदूरी में जाता है और शेष कोयला, गैस, खाद और उपकरणों में जाता है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 1380 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है और ये दुनिया के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।